हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। हमारे इस चैनल के मेंबरशिप के तहत मेंबर्स ने कुछ हमारे से टॉपिक रिक्वेस्ट किए थे, उसमें से एक आज हम कवर कर रहे हैं, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? अब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से बेसिक समझना बहुत जरूरी है हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है। जो उसका काम है टू पंप ब्लड, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, वो नहीं कर पा रहा। पंप करने के लिए उसको एक बार पंप करके खाली होना होता है और फिर दूसरी बार भरना होता है। तो जो पंप करने वाला फेज है उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, सिस्टोल। और जो खाली होने वाला फेज होता है, रिलैक्स होने वाला, रिलैक्सेशन फेज होता है, उसे हम कहते हैं डायस्टोल। सो रिलैक्सेशन फेज डायस्टोल वापस भरने को बोलते हैं। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब है कि पंपिंग पावर तो बढ़िया है लेकिन हार्ट जो है पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पा रहा। रिलैक्सेशनल एबनॉर्मलिटी है या रिलैक्सेशन पार्ट में प्रॉब्लम है, फिलिंग ऑफ द हार्ट एबनॉर्मल हो रहा है, उसको कहेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे पंपिंग का भी फेलियर हो। अब उसका क्या मतलब, पंपिंग पावर कम हो गया। नॉर्मल हार्ट 100 ml अगर ब्लड एक बार में भरता है तो उसका 50-70%, 55-65% तक वो एक बार में एक बीट में पंप आउट करता है। तो अगर किसी का हार्ट एक बार में 50% भी पंप आउट करता हो तो उसे नॉर्मल या प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, 55% बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जिसमें रिलैक्सेशन एबनॉर्मलिटी हो रही है, हार्ट रिलैक्स पूरा नहीं हो रहा लेकिन पंप पूरा कर रहा है, पंप कर रहा है मोर देन 50% ऑफ व्हाटएवर इट इज फिलिंग, और रिलैक्स होते समय वो उतना नहीं भर पा रहा जितना उसे भरना चाहिए। सो इसे कहेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ऐसे दूसरे पेशेंट जिसमें पंपिंग भी कम है उसे कहेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। सो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट के रिलैक्सेशन टाइम पर फेल हो रहे हैं। अब इसके वजह से क्या होगा, पहले समझना जरूरी है ये बीच का जो हार्ट है हमारा, ये बीच का हार्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ये लेफ्ट साइड है इसका और ये राइट साइड है। सो लेफ्ट साइड वाले हार्ट में यहाँ पर दो अलग अलग आप देख पा रहे हैं, एक तरफ ये हार्ट है जहां पर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर लिखा हुआ है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, ये इस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है ये थोड़ी पतली हो गई है और फैल सी गई है, डायलेट हो गया। बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डैमेज ये हार्ट की वॉल वीक हो गई है। तो वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल, जिसके वजह से पंपिंग उतनी एफिशिएंट नहीं हो पा रही है, पंपिंग पावर कम हो गया, इसे हम कहेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसका ऑपोजिट, अगर हार्ट की मसल्स थिक हो गई, जैसे आप यहां देख सकते हैं इतनी ज्यादा मोटी हो गई हैं हार्ट की मसल्स कि वहां पर ब्लड उतना भर ही नहीं पाएगा, वहां स्टिफनेस आ जाएगा, वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगा। सो इसे हम कहेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का एक बड़ा चीज हम देख सकते हैं कि हार्ट की मसल स्टिफ हो गई हैं या हार्ट की मसल थोड़ी मोटी हो गई हैं, और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हार्ट की मसल्स कमजोर हो गई हैं। कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो गया, इन्फेक्शन हो गया हार्ट में, हार्ट फैल गया बिकॉज ऑफ प्रेशर या वैल्वुलर एबनॉर्मलिटी, वैल्व की बीमारी अलग है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्यों हो सकता है, क्या कारण है, हार्ट की मसल स्टिफ क्यों हो सकती है, सबसे बड़ा रीजन है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जब हाई रहता है और लंबे समय तक हाई, लगातार हाई रहता है, एक बार बढ़ के कम हो गया उसे नहीं कहते, लगातार अगर लॉन्ग टर्म आपका बीपी हाई आप चेक नहीं करते तो एज अ अडेप्टेशन आपका हार्ट अपनी मसल्स का साइज बढ़ाता है टू पुश द ब्लड अगेंस्ट दैट हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट उसे प्रेस करना है, ब्लड को पंप करना है, इसलिए उस पर प्रेशर बढ़ता है। जैसे आप एक मसल को बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं और तो मसल का साइज बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही हार्ट का साइज बढ़ता है और हार्ट मोटा होता जाता है। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर इफ नॉट करेक्टेड वो हार्ट के ऊपर रीमॉडलिंग से थिकनेस और स्टिफनेस पैदा करेगा। दूसरी बीमारी जो ऐसे करेगी वो है डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज, जिसके प्रोलॉन्ग्ड अगर लंबे समय तक शुगर आपकी अनकंट्रोल रहती है तो उसके वजह से हार्ट की खून की नसें डैमेज होती हैं, हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं, जिसके वजह से स्टिफनेस आ सकती है, थिकनेस नहीं होगी इसमें, स्टिफनेस आएगी, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे जो उनको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए सही से नहीं पहुंचेंगे एंड दे विल हैव स्टिफनेस, फटीग जल्दी होगा। सो हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड देन ब्लॉकेजेस, यस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ब्लॉकेजेस वाली बीमारी भी हार्ट की मसल्स को डैमेज कर सकती है, कुछ एरियाज में फाइब्रोसिस हो सकता है, डैमेज हो सकता है और इसके वजह से स्टिफनेस आ सकती है, हार्ट आपका अगेन रिलैक्स होने में दिक्कत आएगी। अगर बहुत ज्यादा लेवल पे अटैक हो गया, डैमेज हो गया तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, छोटे मोटे लेवल पे हो रहा है तो सिर्फ स्टिफनेस आएगी। सो यस, बोथ थिंग्स कैन कोइंसाइड। एंड द फोर्थ थिंग इज ओबेसिटी।
मोटापा। जब आप मोटे होते हैं तो आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा आता है, स्ट्रेन ज्यादा बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली कैरिंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेट। आप 10 किलो 20 किलो 30 किलो मोटे हैं तो आपका हार्ट उस 30 किलो वजन को लगातार उठा रहा है। दैट कैन लीड टू अगेन हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो किसको रहेगा रिस्क डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का? एक तो आपका अगर उम्र के साथ जिस तरह हर टिश्यू का आपकी स्किन ढीली पड़ने लगती है एक उम्र के बाद, वैसे ही आपकी हार्ट की भी मसल्स ढीली पड़ने लगती है, तो हार्ट की वीकनेस स्टिफनेस बढ़ सकती है वहां पर उम्र के साथ। एज के साथ आपका डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वेरी कॉमन है और एक एज के बाद ग्रेड वन डायस्टोलिक डिसफंक्शन सभी में मिलेगा। 65 के बाद तो एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिग्निफिकेंट होता है कि वो ग्रेड टू ग्रेड थ्री पर जा सकता है इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, और फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू मेल्स। कोमॉर्बिडिटीज अगर आपको ज्यादा है, कोई भी बीमारी है, लॉन्ग टर्म बीमारी आपको, चाहे बीपी शुगर है, किडनी डिजीज है, लंग डिजीज है, कोई भी क्रोनिक बीमारी, तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा बिकॉज लंग्स अगर सही से काम नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी को फैलाने का काम हार्ट पे लोड बढ़ेगा। किडनी नहीं काम कर रही है तो भी हार्ट पे वॉल्यूम लोड बढ़ेगा। किडनी का काम है पानी निकालना शरीर से, यूरिन, एक्स्ट्रा यूरिन निकालना, वो नहीं रहेगा तो पानी का लोड बढ़ जाएगा। सो ऐसे केस को मैनेज कैसे करें? अल्टीमेटली सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उसके सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होंगे? आपको सांस फूलेगा बिकॉज वो थोड़ा बहुत जो पंप आउट नहीं हो पा रहा या पूरी तरह भर नहीं पा रहा है, बैक प्रेशर उस सर्कुलेशन का आपके लंग्स में आता है, आपके लंग्स में आता है और वहां पर सांस फूलने लगता है, या ज्यादातर ऐसे केस में सांस फूलता है एग्जर्शन पे। जब आप कोई काम करते हैं, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक्सर्शन, सबसे पहले डिस्निया और एक्सर्शन होने लगता है क्योंकि जब आप एक्सर्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चलते फिरते हैं, तो दिल की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पे लोड बढ़ता है। जब हार्ट की एक्चुअली पंपिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए वहां पर वो बिकॉज ऑफ डायस्टोलिक डिसफंक्शन नहीं उतना भर पा रहा जितना ब्लड चाहिए, तो सांस फूलता है। सेकेंड थिंग, का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पल्स रेट बढ़ सकती है, आपके इम्पेयर्ड एक्सरसाइज कैपेसिटी यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशंस पैदा हो सकती है। तो अल्टीमेटली अगर आपका सांस फूलता है तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपके इकोकार्डियोग्राफी में आपको एबनॉर्मलिटी दिखती है ग्रेड वन से ज्यादा, इवन ग्रेड वन, तो यू शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। द नंबर वन ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे, जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे एक्सरसाइज करो, वेट आधा ज्यादा है तो वेट कम करो, हार्ट से हेल्दी हार्ट डाइट लेनी पड़ेगी, आपको अपने सिम्टम्स मैनेज करने के लिए मेडिकेशंस भी लेनी पड़ सकती है, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने पड़ सकते हैं। मेडिकेशंस में ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ या धड़कन कम करने की दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs, ऐसी अलग अलग तरीके की दवाइयाँ आती हैं जो सिचुएशन के हिसाब से आपके डॉक्टर देंगे आपको कि भाई आपके केस में ये 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 की जरूरत है, एंड देन फॉलो अप किया जाएगा। यू नीड टू मॉनिटर, आपको अपने ब्लड प्रेशर पल्स रेट को मॉनिटर करना पड़ेगा। बहुत ही सीवियर केस हो गया कि हार्ट बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है या फिर उसमें छेद है, वैल्व्स के वैल्वुलर प्रॉब्लम है, वैल्व्स भी ख़राब है, तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है कि हार्ट जो है सही से काम करे। व्हाटएवर द प्रॉब्लम, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, दवा, डाइट, लाइफस्टाइल एंड व्हाटएवर सर्जरी और प्रोसीजर इज नीडेड। अगर आपका डायस्टोलिक डिसफंक्शन है ग्रेड वन तो आप आराम से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता उनका है। ग्रेड टू ग्रेड थ्री में आपको जो डिस्निया एंड एक्सर्शन होगा, ऐसे केसेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये करेक्ट हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी डिटेक्ट हो उतना अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि साल में एक बार आपका ECG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT होते रहना चाहिए एक उम्र के बाद, 30-40 की एज के बाद। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हार्ट फेलियर एक एजिंग प्रोसेस भी है, लेकिन इसे लोगों में जल्दी देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस यू कैन थिंक ऑफ। अच्छा खाना नहीं है, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड खराब है, कई सारी बीमारियां आ गई हैं, कई सारे कोमॉर्बिडिटीज आ गई हैं, मोटापा आ गया है। सो व्हाटएवर थिंग्स यू आर डूइंग बैड, एटलीस्ट वो चीजें आप ठीक कर सकते हो। सो कंक्लूजन वाइज अगेन, हार्ट की एक बीमारी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, जिसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा होता है अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करना, और नंबर दो अपने रेगुलर टेस्ट करने। सो इफ यू आर 30-40 के आसपास आपकी उम्र है, उससे ज्यादा है, साल में एक बार अपना इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, हार्ट की सोनोग्राफी जरूर कराइए, और इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करिए जिनको इसकी जानकारी की जरूरत है। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजी, टेक केयर, बाय बाय।